फटाफट क्वेश्चन करते चले जाना है, ठीक है? चलो यहां पे एक ब्लॉक दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है। ये कहता है कि ब्लॉक ऑफ मास M1 एंड ब्लॉक मास M2 आर ज्वाइंट टुगेदर विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पर ब्लॉक जो है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से ये ब्लॉक एक अलग है जो कि इधर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है जो लोअर वाला ब्लॉक है, और दोनों की मासेज अलग है, दोनों की स्पीड बी वन एंड बी टू है। तो डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट्स रिलेशन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच हमें कॉन्स्टेंट्स का जो रिलेशन है वो हमें निकालना है। तो आसान है, बहुत आसान है, देखो, ठीक है, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पर अभी जो हम लोग पढ़ाए कि स्ट्रिंग के अलोंग जो स्पीड है वो सेम रहती है भैया, तो स्ट्रिंग के अलोंग अगर स्पीड सेम रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वी वन से इधर जा रहा है और ये वी टू से नीचे आ रहा है, तो ये तो पहले से ही वी टू पहले से ही स्ट्रिंग के अलोंग है, बी टू पहले से ही स्ट्रिंग के लॉन्ग, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ है, और ये अलोंग द स्ट्रिंग इधर ये वाली लाइन डॉट डॉट वाली ये स्ट्रिंग के लॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंस्टेंट थीटा है तो वी वन का एक कॉम्पोनेंट स्ट्रिंग के लॉन्ग तो आएगा ही आएगा, वी वन कॉस थीटा, ठीक है, और ये जो वी टू है वो पहले से स्ट्रिंग के लॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि वी टू मस्ट बी इक्वल टू वी वन कॉस थीटा, ठीक है, तो वी वन कॉस थीटा v1 cos theta must be equal to v2. This is the v1 upon v2 is equal to 1 upon cos theta. ये इनके बीच का रिलेशन है, that is sec theta. तो ये इनके बीच का अपना रिलेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें रिलेशन निकालना था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो